नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन पहले सुर्खियां। रविवार को जनता कर्फ्यू को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। शनिवार मध्य रात्रि से 22 मार्च की रात 10 बजे तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। अब तक कुल 9 जिलों में लॉकडाउन। दिल्ली में भी शॉपिंग मॉल बंद। 21 से 23 मार्च तक बंद रहेंगे बाजार। कोरोना पॉजिटिव कनिका कपूर पर कार्रवाई की तैयारी में यूपी पुलिस। गायिका कनिका ने लखनऊ में की थी पार्टी। कनिका कपूर पर संवेदनशील मुद्दे पर जानकारी छिपाने का आरोप। केरल सरकार की मोदी सरकार से मांग, मनरेगा में 150 दिन काम देने की अपील। अभी 100 दिन मिलता है काम। और मध्य प्रदेश के कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे कमलनाथ। राज्यपाल लालजी टंडन ने मंजूर किया इस्तीफा। एडवोकेट जनरल शशांक शेखर ने भी प्रधान सचिव को भेजा इस्तीफा। कोरोना के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, हर तरफ कोरोना का खौफ है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 22 मार्च को देश भर में ट्रेनें नहीं चलेंगी। दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई, पुणे, नागपुर और पिपरी चिंचवट समेत 4 शहर बंद कर दिए गए हैं। केवल दवाई, बैंक और सब्जी की दुकानें इन 4 शहरों में खुलेंगी। कोरोना के कहर में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भी आ गई हैं। कनिका कपूर हाल ही में लंदन से लौटी थी, जिसके बाद वो कई पार्टियों में शामिल हुई। इसके बाद अब उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। जनता कर्फ्यू के दौरान रविवार को सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। शनिवार मध्य रात्रि से 22 मार्च की रात 10 बजे तक शुरू होने वाली यात्री ट्रेनें जनता कर्फ्यू की वजह से नहीं चलेंगी। हम बता दें कि दिल्ली, नोएडा समेत सभी मेट्रो सेवाएं भी रविवार को बंद रहेंगी। शशांक पाठक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। शशांक, क्या अपडेट है रेलवेज का, मेट्रोज का, क्या पूरा मसला बन गया है अब जनता कर्फ्यू को लेकर? देखिए, जनता कर्फ्यू को लेकर जो रेलवे से जुड़ी जो खबर आई है, वो जो समाचार एजेंसी ANI है उसके ट्वीट के हवाले से ये खबर है कि शनिवार रात आधी रात से 12 बजे से रविवार रात 10 बजे तक सारी पैसेंजर ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। और जो एक्सप्रेस रेलवे सर्विस है या मेल सर्विस है या जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है, वो रविवार को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक उनको बंद रखा जाएगा। लेकिन इस दौरान, इस बंदी से पहले जो ट्रेनें रास्ते में चल रही होंगी उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन ये जो खबर है ये ANI के माध्यम से दी गई है। हम स्पष्ट यहाँ पे ये लोगों को बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अभी इस पर कोई सफाई या कोई अपडेट आया नहीं है। जी, यानी अभी इसमें थोड़ी स्पष्टता का मसला रहेगा। बहुत शुक्रिया शशांक इस सारी जानकारी के लिए। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है। इनमें 32 विदेशी नागरिक शामिल हैं। कोरोना वायरस के कारण देश में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 49 मामले सामने आ चुके हैं। हैदराबाद में कोरोना वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। यूपी में कोरोना के 22, केरल में 26, दिल्ली में 16, कर्नाटक में 15, राजस्थान में 15 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सभी जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। एक दूसरे से उचित दूरी, मास्क लगाने और सैनिटाइज करने की सलाह दी गई है। सर्दी खांसी जैसे लक्षण नजर आते ही फौरन डॉक्टर से मिलने की सलाह भी दी गई। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिन रात मॉनिटरिंग कर रहा है। 160 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 6700 से ज्यादा लोगों पर नजर रखी जा रही है, उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। बुजुर्ग लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच स्वास्थ्य विभाग की सबसे पहली प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की मदद और कोरोना से जुड़ी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1075 भी जारी किया है। रूमर्स पर विश्वास मत करें, जिसके रूप में मैं कहना चाहूंगा कि
हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वह इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट, हमारे कॉल सेंटर पर अवेलेबल है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आपके थ्रू अभी समाज में सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो टोल फ्री कॉल नंबर है 1075, कृपया उसे यूज करें, और कोई भी आपको डाउट हो उसके थ्रू एक तरीके से प्रॉपर जानकारी लेकर अपने किसी भी टाइप के र्यूमर और किसी भी टाइप के भय से बचें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई स्तर पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को फैलने से रोकने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केरल के सीएम पी विजयन, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने भी कोरोना पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि भी पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई चर्चा में शामिल हुए। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और 22 मार्च यानी रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की। लोगों से रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों से ना निकलने के लिए कहा है। कोरोना के मरीज देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। इस दौरान संदिग्धों की टेस्ट रिपोर्ट सामने आने में काफी वक्त भी लग रहा है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से लैब बढ़ाने की मांग की है। कोरोना वायरस के चलते ममता सरकार ने राज्य में सभी लाभार्थियों को अगले 6 महीने तक मुफ्त गेहूं चावल देने का फैसला किया है। बंगाल में अभी तक 7.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और चावल दिया जा रहा था। We have ordered MSME, small scale department, to prepare these gloves, all the mask, all the PPE like this. Already started, they have already started giving us the things, but what the public required and what we have capacity, though we have given lakhs of, but this is new thing, so we are doing lakh, only 2 lakh we have. I will appeal the central government to give us the kits immediately. Send us more and more kits. Because Bengal is a special state. बेबी डॉल गाने से मशहूर हुई सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर हाल ही में लंदन से लौटी हैं और अब कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। कनिका कपूर लंदन से लौटने के बाद लखनऊ में कई पार्टियों में शामिल हुई थी। बताया जा रहा है कि कनिका कपूर 11 मार्च को लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ में 2 पार्टियों में कनिका शामिल हुई। इन पार्टियों में कई बड़े राजनेता और अफसर शाह शामिल थे। पार्टी में कई लोगों ने सिंगर कनिका कपूर के साथ सेल्फी ली, हाथ भी मिलाया। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलता है, ऐसे में जितने लोग कनिका कपूर के संपर्क में आए उनकी भी जांच कराई जाएगी। कनिका का घर लखनऊ के महानगर इलाके में है। जिस सोसाइटी में वो रहती हैं वहां सभी के सैंपल जांच के लिए लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि कनिका कपूर लखनऊ के बाद कानपुर भी गई थी। कानपुर में वो अपने मामा के घर ठहरी थी। उधर सिंगर कनिका कपूर ने कहा कि वे 10 दिन पहले विदेश से लौटी थी। एयरपोर्ट पर पूरी स्क्रीनिंग और जांच हुई थी। 4 दिन पहले उन्हें कोरोना के लक्षण नजर आए। टेस्ट कराने के बाद कोरोना का पॉजिटिव होना पाया गया। आपको बता दें कि कनिका कपूर पर आरोप लग रहे हैं कि एयरपोर्ट पर वो जांच से बच कर निकल गई। कनिका ने इन आरोपों को झूठा बताया है। सिंगर कनिका कपूर ने यह भी कहा है कि वे और उनका परिवार आइसोलेशन में है, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चल रहे हैं। साथ ही जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। कनिका कपूर की लखनऊ की पार्टी का एक नया वीडियो सामने आया है। यह पार्टी लोकायुक्त के आवास पर आयोजित की गई थी, जहां पर फूलों की होली खेली गई थी। कनिका कपूर इस पार्टी में अपने पिता के साथ पहुंची थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस पार्टी। वहीं अब बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लखनऊ के डीएम को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद गृह विभाग
को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दरअसल कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने जानकारी होते हुए भी इस बात को छिपाया कि वो कोरोना के मामले में संदिग्ध हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिंगर कनिका कपूर से कितने लोगों को कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ की जिस पार्टी में कनिका कपूर शामिल हुई थी उसमें कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थीं। लखनऊ की पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए थे। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह कनिका कपूर के साथ ली गई ग्रुप फोटो में भी नजर आ रहे हैं। कनिका कपूर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने भीड़ से दूरी बनाते हुए खुद को आइसोलेशन में यानी तन्हाई में रख लिया है। लखनऊ के 5-स्टार होटल में हुई उस पार्टी में यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी शामिल थे। जय प्रताप ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस मामले में ट्वीट भी किया है। वसुंधरा ने लिखा है, कुछ दिन पहले दुष्यंत और उनके ससुराल वालों के साथ मैं लखनऊ में एक डिनर पर गई थी। कनिका कपूर जो कि कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई हैं वो भी इस डिनर में बतौर गेस्ट मौजूद थी। सावधानी के तौर पर मैं और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में हैं और हम सभी जरूरी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दुष्यंत सिंह ने संसद में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन से मुलाकात की थी, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन ने भी खुद को अलग कर लिया है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। यू कैनॉट प्रैक्टिस वन थिंग एंड प्रीच वन थिंग एंड देन प्रैक्टिस वन थिंग। ये क्या हो रहा है? ये पार्लियामेंट बिफोर करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री भाषण दे के बोल रहा है जे सेल्फ आइसोलेशन करो, सेल्फ आइसोलेट करो, तो पार्लियामेंट क्यों रखा? हम लोग भी काम बोल रहे हैं जो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। क्या कॉन्फिडेंस? किसको कॉन्फिडेंस? दुकान सिर्फ खोलने का नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो? व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज वेरी वेरी बैड। द फोकस शुड बी ऑन टेकिंग। सिंगर कनिका कपूर का मामला सामने आने के बाद यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने जरूरी एहतियात बरतते हुए लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने का फैसला किया है। इन तीनों शहरों में केमिकल छिड़काव किया जाएगा, पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के चलते यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी मॉल बंद करने का भी आदेश दिया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800300002672। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बाद सीएम कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि सूबे में आगे क्या होगा, नई सरकार की तस्वीर क्या होगी,
इसी बीच नई सरकार के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी के नेता सक्रिय हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आज फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। दोपहर 2 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 17 दिनों से जारी सियासी घमासान का अंत हो गया। फ्लोर टेस्ट के पहले कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को 15 साल और मुझे 15 महीने मिले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हर 15 दिन में बीजेपी नेता कहते थे कि ये सरकार 15 दिन महीने भर की है। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों के हित में काम किया, ये बीजेपी को पसंद नहीं आया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि वो मेरे प्रदेश को हरा कर जीत सकती है, लेकिन बीजेपी ना तो मेरे प्रदेश को हरा सकती है और ना ही मेरे हौसले को हरा सकती है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है। मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी और मैंने हमेशा कहा और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सका। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने जनमत का अपमान किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने माफिया के साथ मिलकर कमलनाथ सरकार को गिराया है। उस फ्लोर पे तब पहुंच पाते हैं जब जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, तो जनता ने हमें विश्वास के साथ उस फ्लोर पे पहुंचाया था। जिनने जनता के साथ धोखा किया अब उनको ये जवाबदारी बनती है कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और अग्नि परीक्षा दें। भारतीय जनता पार्टी को 170 से 107 पे जनता ने पहुंचा दिया। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जनमत है, बहुमत है, शर्म आना चाहिए ऐसा कहते हुए। लड़ाई मेरी और सरकार की नहीं और व्यक्तिगत किसी की नहीं है। ये लड़ाई है मूल्यों की, सिद्धांतों की, जनता की सेवक की, बनकर काम करने की, जो शपथ हम लेते हैं उसको पूरा करने की, संविधान की रक्षा करने की, मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर जो कुठाराघात हुआ उनको बचाने की। मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या की गई, जग जाहिर है। एक तरफ है पीठ में छुरा घोपने का उदाहरण, एक तरफ है विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदना, विधायकों को बस में करना, और तीसरा शिवराज का चेहरा सत्ता लोलुपता का, जिसके लिए सब कुछ करना, नाक रगड़ना, लौट जाना, हद दर्जे की अनैतिक वर्क में अपने आप को संलिग्न करना, तीन चेहरे निकले मध्य प्रदेश के पूरे घटनाक्रम से। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना काम बताया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। इसी बीच सीएम के इस्तीफे के बाद दूसरे अधिकारियों का भी इस्तीफा शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता ने चीफ सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक शनिवार को हो सकती है। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल पहुंचेंगे। बीजेपी के सीनियर नेता विनय सहस्त्रबुद्धे को भी इस बैठक में शामिल होना है, जिसके लिए वो आज ही भोपाल पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी खेमे में सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज सीहोर में ठहरे बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद बीजेपी के विधायक शिवराज सिंह चौहान के साथ 3 बसों में सवार होकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सूबे के नए सीएम के नाम पर आला कमान मुहर लगाएगा। पार्टी जो तय करेगी, अभी तो फ्लोर टेस्ट का मामला था, पार्टी बैठ के जो निर्देश देगी तय करेगी और गवर्नर साहब के हाथ में सूत्र है, वो क्या कहते हैं उसके बाद विचार होगा। मैं पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश की
जो सरकार है ये अपना बहुमत खो चुकी थी। इस सरकार के अंदर गरीब जनता के हितों की रक्षा ये नहीं कर पाई, बल्कि गरीब जनता के हितों को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया। उनके गरीब जनता के लिए किए हुए कामों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए थे उनको भी छीनने का इन्होंने काम किया। हर उस योजना को बंद कर दिया जो गरीबों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी। कांग्रेस की सरकार जाते ही अब निर्दलीय विधायकों का रुख भी बदलने लगा है। कांग्रेस को समर्थन देकर मंत्री बने प्रदीप जायसवाल ने सीएम कमलनाथ के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि वो सूबे में जो नई सरकार बनेगी उसका समर्थन करेंगे। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे इसलिए सरकार को समर्थन दिया था, अब जो भी नई सरकार बनेगी उसका समर्थन करेंगे। मैं तीन बार पहले विधायक रहा कांग्रेस से, हमेशा विपक्ष में रहा, पहली बार अवसर मिला था काम करने का। अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सीनियर भी हो गया हूँ और अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि क्षेत्र का विकास, कार्यकर्ताओं मान सम्मान के लिए अब जो नई सरकार बनेगी, एक निर्दलीय विधायक होने के नाते मैं उस नई सरकार को समर्थन करूँ। बातचीत हुई उनसे मेरी और जैसा सरकार बनेगी उस सरकार में मेरा जो कद है उस कद के हिसाब से जो मेरा मान सम्मान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने की मांग की है। अभी मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी है जिसे बढ़ाकर 150 दिन करने की मांग केरल सरकार ने मोदी सरकार से की है। ऐसी मांग पहले भी उठती रही है लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। RKDF University, a world-class university, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1-800-270-0320. Confidence and trust in the judiciary is getting eroded. Are you delighted? Are you disappointed with Justice Gogoi joining Rajya Sabha? I'm a little disappointed, yes, I am. Yeah. Why? I wouldn't, speaking for myself, I wouldn't accept something like this. Some kind of a quid pro quo and it's like a reward which he has got from the government. Well, the perception certainly is that, he has been helpful to the government. Justice Arun Mishra recently, he made a lavish praise about the Prime Minister. I don't think he should have said that. Do you see this last bastion crumbling anywhere? Or it's shaking. It's shaking. Yeah, it's shaking, yeah. And which is not a good sign. Which is not a good sign, yeah. देखिए ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया के दोषियों को दी गई फांसी की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जब तक दोषियों की मौत नहीं हो गई तब तक उन्हें फांसी पर लटकाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि दोषियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया था। निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। दोषियों को घटना के 7 साल 3 महीने और 3 दिन बाद फांसी पर लटकाया गया। निर्भया के चारों दोषियों की ओर से आखिरी वक्त तक फांसी को टालने की कोशिश की गई। वकील AP सिंह ने फांसी के दिन से 1 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में डेथ वारंट को टालने के लिए याचिका दायर की, लेकिन इसमें दोषियों के खिलाफ फैसला आया।
आधी रात को वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जब सर्वोच्च अदालत बैठी तो वहां भी निर्भया के दोषी कुछ ऐसी दलील नहीं दे सके जिसकी वजह से फांसी टल सके। देश के लिए बहुत ही संतोष का दिन है, बहुत ही सुकून का दिन है कि भारत की एक दुखित और पीड़ित बिटिया निर्भया को सही न्याय मिला है। अच्छा होता इसमें 7 साल की देरी नहीं लगती। वही आज का अवसर है हमें सोचने का कि कई मामलों में जब न्याय प्रक्रिया का लोग दुरुपयोग करते हैं उसके बारे में भी सबको सोचने का समय है। निर्भया के परिवार ने अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 7 साल से ज्यादा वक्त तक कानूनी लड़ाई लड़ी। दोषियों को फांसी होने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि वो 20 मार्च को निर्भया दिवस के तौर पर मनाएंगी। आशा देवी ने कहा कि वो अब देश की दूसरी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। फाइनली देर से ही सही इंसाफ मिला, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने सरकार को, अपने सिस्टम को, अपने न्याय व्यवस्था को, पूरे समाज को, अपने मीडिया भाई बहनों को, खासकर अपने बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हम सबको। आज फाइनली चारों को फांसी हो गई है और मेरे बच्ची को इंसाफ मिला है और इस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं। खोना बहुत कष्टदायक था क्योंकि वो आखिरी पल था जब वो बोली मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। पता था उसको कि वो जी नहीं पाएगी, उसका अपने बारे में सब पता था, उसके बावजूद उन्होंने बोला मैं जीना चाहती, लेकिन नहीं बच पाई, नहीं बचा पाए। जो भी कॉल आज, हाँ उसको इंसाफ जरूर दिला पाए हम लोग और उसके आत्मा को आज जरूर शांति मिली होगी, हम लोग को खुशी मिली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।